हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका मित्र करीम अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक ऐसा सेक्शन है जिसके तहत आपको यह पावर या अधिकार मिलता है कि एक आम आदमी किसी मैजिस्ट्रेट या किसी पुलिस ऑफिसर की मदद कर सकता है। हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन है, उसी सेक्शंस में जो वो परिस्थितियां दी गई हैं जिन परिस्थितियों के आधार पर कोई एक आम व्यक्ति मजिस्ट्रेट और पुलिस की मदद कर सकता है, उसी के बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप YouTube में मेरे वीडियो को देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, और अगर आप Facebook में मेरे वीडियो को देख रहे हों तो मेरे Facebook पेज एडवोकेट करीम अहमद सिद्दीकी को लाइक और फॉलो अवश्य कर दें, और दोस्तों ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 37 में इस संबंध में वो कौन सी परिस्थितियां दी गई हैं जब एक आम आदमी किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस की मदद कर सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 37 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में कहा गया है कि एक आम व्यक्ति मजिस्ट्रेट और पुलिस की मदद कब कर सकता है, उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। सेक्शन 37 को 3 सब क्लॉजेज में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 37 ए, बी और सी। सेक्शन 37 ए में कहा गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए निकलते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए वो ऑथोराइज किए गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़वाने या भाग निकलने या भागने से रोकने में एक आम व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कर सकता है। हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति को पकड़ने का अधिकार है मजिस्ट्रेट और पुलिस को, तो ऐसे व्यक्ति को निकल भागने से रोकने या पकड़ने में आप उसकी मदद कर सकते हैं। सेक्शन 37 बी में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति शांति भंग करता है तो शांति भंग करने का निवारण करने, प्रिवेंशन और सप्रेशन या दमन करने में भी कोई भी आम व्यक्ति एक मजिस्ट्रेट और पुलिस की मदद कर सकता है। दोस्तों, सेक्शन 37 के क्लॉज सी में कहा गया है कि किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षत पहुंचाने का कोई प्रयास करता है, हाँ दोस्तों, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी, रेल, तार या नहर को अगर कोई डैमेज करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका उसको रोकने के लिए भी आप ऐसे मजिस्ट्रेट और पुलिस की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, तो यह थी साथियों 3 सर्कमस्टांसेस जो सेक्शन 37 में दी गई हैं। इन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे कोई भी आम व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस की मदद कानूनी तौर पर कर सकता है। यह थी एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। इस वीडियो में बताया जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून के विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।